Hello everyone, welcome to Synopsys IS. I am Anubhav Dipani and I am Faculty of Polity and Geography Optional at Synopsys IS. चलिए आज हम लोग अब अपना फर्स्ट और सेकेंड मार्च का जो करेंट अफेयर्स है द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का उसकी सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं. जितने भी हमारे ये लेक्चर्स हैं द हिंदू के इंडियन एक्सप्रेस के इसका जो फ्री PDF है इसके नोट्स का आपको हमारी वेबसाइट पे synopsysis.in पे मिल जाएगा. और अगर आपको इनकी फ्री हार्ड कॉपीज चाहिए तो आप लोग हमारे हेड ऑफिस करोल बाग में हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. राइट, करेंट अफेयर्स पढ़ने से पहले हम लोग एक बार अपनी साइट पे चले जाते हैं, देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए कौन कौन सी यहाँ पर चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं. इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर जैसे प्रीलिम्स एंड 100 टॉपिक्स जिसे हम लोग 2020 एंड 50-50 के नाम से भी जानते हैं. इसमें अराउंड 100 टॉपिक्स को हम लोग एक साथ रखते हैं और उनके हर एक टॉपिक के अलग अलग लेक्चर रहते हैं जो 20 मिनट्स या 50 मिनट्स के रहते हैं और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं. जैसा कि हम लोगों ने अपने दूसरे वीडियोस में बताया, कृष्णा सर ने एक्सप्लेन करके बताया कि ये 2020-50-50 सीरीज़ में से कितने सारे क्वेश्चंस यूपीएससी के प्रीलिम्स में से आते हैं. लास्ट ईयर आई गेस 59-58 क्वेश्चंस इस सीरीज़ के टॉपिक्स से आए थे. इसके अलावा मेंस इन 300 टॉपिक्स भी हमारे पास अवेलेबल है. जो ऑप्शनल्स आप लोगों को हमारे पास ऑफलाइन बैचेस में मिलेंगे दैट वुड बी ज्योग्राफी, जियोलॉजी, PSIR, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. और इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके की और इन्फॉर्मेशन चाहिए आप इस डैशबोर्ड पर जाकर चेक कर सकते हैं. राइट, चलिए तो अब हम लोग फर्स्ट ऑफ मार्च के करेंट अफेयर्स शुरू करते हैं. काफ़ी बड़ी न्यूज़ है ये. इसरो ने 19 सैटेलाइट्स एक साथ लॉन्च की हैं जिसमें ब्राज़ील का जो अमेजोनिया 1 है वो भी इंक्लूडेड है. ठीक है, ये एक न्यूज़ है बस आपको दिखाने के लिए. बट ये वाली पर्टिकुलर ये लाइन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी कि 53rd फ्लाइट है ये इसरो की लॉन्च व्हीकल की. ये इस जो यहाँ पर पूरा का पूरा प्रोग्राम कंडक्ट किया गया है इसको इसरो की एक कमर्शियल आर्म है जिसका नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड. ये डेडिकेटेड मिशन है इस न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का और इसी के अंडर ये लॉन्च किया गया. ये कमर्शियल आर्म है इसरो की. इसके अलावा एक और कमर्शियल आर्म है इसरो की, आप लोगों को नाम पता होगा, इसे हम लोग अंतरिक्ष के नाम से जानते हैं. सो टोटल 19 सैटेलाइट्स लॉन्च की गई थी. ठीक है, इंडिया की भी थी इसमें 5 और 13 सैटेलाइट्स इसमें USA की थी एंड सबसे इंपॉर्टेंट ब्राज़ील की थी अमेजोनिया 1. तो ये अमेजोनिया 1 जो है सैटेलाइट ये पूरी तरीके से ब्राज़ीलियन मेड है और इसका मेन काम क्या है कि ये जो अमेजोन फॉरेस्ट है उसको मॉनिटर करेगी. ठीक है, ये इसका पूरा द हिंदू का आर्टिकल है, फ्रंट पेज पे आया था, यू कैन रीड इट. नेक्स्ट आते हैं कैच द रेन. ये भी द हिंदू की हमारी न्यूज़ है. जल शक्ति मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है ये रेन वाटर कंजर्वेशन को लेके 100 डे का कैंपेन रहेगा कि हमें बारिश का पानी ज़्यादा से ज़्यादा बचाना है और आसपास के जो वाटर रिसोर्सेज हैं उनको और साफ करना है. नेक्स्ट नेशनल साइंस डे द हिंदू की न्यूज़ अगेन. हम सभी को मालूम है कि 28th February को हम लोग साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं. क्यों? क्योंकि उसी दिन रमन इफेक्ट जो हुआ था उसकी डिस्कवरी को कमेमोरेट किया गया था और इसी डिस्कवरी के लिए सीवी रमन को नोबल प्राइज मिला था आई गेस 1930 में. आई एम नॉट दैट श्योर बट आई गेस 1930 में ही इसको नोबल प्राइज मिला था. इस साल की जो थीम थी साइंस डे की फ्यूचर ऑफ STI इम्पैक्ट्स ऑन एजुकेशन स्किल एंड वर्क. रमन इफेक्ट क्या होता है आप सभी लोगों को पता होगा. हम लोगों ने 9th और 10th में फिजिक्स की इसकी डेफिनेशन पढ़ी है और हम लोगों ने इसके प्रैक्टिकल भी किए थे. इफ़ यू रिमेंबर ट्रायंगल होता था, प्रिज्म का हम लोग प्रैक्टिकल करते थे जो 9th और 10th की डेफिनेशन है. इफ़ यू रिमेंबर कि मान लीजिए कोई लाइट बीम है और इस लाइट बीम को अगर कोई भी मॉलिक्यूल किसी भी तरीके से डिफ्लेक्ट करता है, राइट, अगर कोई लाइट बीम को कोई मॉलिक्यूल जो है किसी भी तरीके से डिफ्लेक्ट करता है तो लाइट की जो वेवलेंथ हो जाती है वो चेंज हो जाती है. इस तरीके का प्रैक्टिकल होता था, यहाँ से लाइट जाती थी और ये पूरी तरीके से डिफ्लेक्ट हो जाती थी. तो यही रमन इफेक्ट है, राइट. चलिए फर्स्ट ऑफ मार्च में इतने थे. सेकेंड ऑफ मार्च की न्यूज़ पे आते हैं हम लोग. ये भी द हिंदू की न्यूज़ है अगेन. मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस. किसी भी मॉन्यूमेंट को अगर आपको नेशनल इंपॉर्टेंस अगर आपको डिक्लेयर करना है तो हमारा जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वही उसको डिक्लेयर करता है. ये मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है इसको डिफाइन किया गया है आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 के अंदर. इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका मतलब ये है कि ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर जिसकी कोई हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस हो या फिर आर्कियोलॉजिकल या आर्टिस्टिक इंटरेस्ट हो जो कम से कम 100 साल पुराना हो, ठीक है ना, मिनिमम 100 ईयर्स का हो तो हम लोग उसको मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर कर सकते हैं. ये न्यूज़ में क्यों आया, कंटेक्स्ट क्यों है, क्योंकि केरला में एक चर्च है सेंट जॉर्ज ऑर्थोडॉक्स चर्च.
नेशनल हाईवे 66 बनाया जा रहा था, आई गेस नेशनल हाईवे 66 ओनली, तो उस टाइम पे थोड़ा सा डैमेज हो गया था इसको, फिर इसका रिनोवेशन किया गया था एंड देन फिर इसको मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के नाम से डिक्लेयर किया गया था। ये देख सकते हैं, येस इट इज नेशनल हाईवे 66 प्लान में ही हुआ था, राइट। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये हमारी PIB की न्यूज़ है, सिटी इनोवेशन एक्सचेंज, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया है। इसमें हम लोग क्या है कि इसको हम लोग स्मार्ट सिटी का जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके अंडर हम लोग इसको ले रहे हैं। इसमें क्या है कि जो हमारी सिटीज हैं उसको हम लोग कनेक्ट करेंगे इनोवेटर्स के साथ, मतलब कितनी भी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड या फिर सिटी प्लानिंग से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसके इनोवेटिव सॉल्यूशंस जो हैं, जितने भी चैलेंज हैं उसके इनोवेटिव सॉल्यूशंस हमारे पास आने चाहिए, ठीक है। तो ये जो पूरी की पूरी स्कीम है ये स्मार्ट सिटीज़ के लिए है, ताकि सिटीज़ को इनोवेटर्स के साथ कनेक्ट किया जा सके, CIX। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, नॉर्थ ईस्ट केन एंड बैम्बू डेवलपमेंट। केन मतलब आपको पता है बेंत, जिसको हम लोग बोलते हैं बेंत स्टिक, ठीक है। तो NECBDC, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जितने भी बैम्बू सेक्टर हैं, जितने भी बैम्बू फील्ड्स हैं, उनको पूरी तरीके से मैनेज करना है, इन्वायरमेंटली उनको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाना है और साइंटिफिकली उसको क्या करना है, डेवलप करना है। तो ये जो हमारा काउंसिल है नॉर्थ ईस्ट वाला, ये नेशनल बैम्बू मिशन के अंडर आता है, जिसको 2018 में लॉन्च किया गया था। और ये वाला जो हमारा बैम्बू मिशन है ये कृषोन्नति योजना के अंडर आता है, जो 2016 में बनी थी। कृषोन्नति योजना एक अम्ब्रेला स्कीम है, इसके अंडर नई नई करके कम से कम 15 से 18 अलग अलग स्कीम्स आती हैं, ठीक है। तो ये तीनों अलग अलग पॉइंट्स हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं लेकिन तीनों एक ही जैसे हैं, तो आपको इन तीनों को याद रखना है। न्यूज़ का कंटेक्स्ट क्या है कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो तीन बैम्बू क्लस्टर्स जो हैं NECBDC से का बनाने वाला है, ठीक है। ये हमारे फर्स्ट और सेकेंड मार्च के करंट अफेयर्स से, यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री PDF यू कैन गेट एंड हार्ड कॉपी इसके लिए करोल बाग, राइट। थैंक यू वेरी मच।